चंपक चाचा के पोस्टर्स लगाने वाला मैं ही हूँ। तेरी वजह से मेरे बाबू जैसे बोल रहे हैं। बाबूजी कहाँ चले गए थे आप? बता रहा हूँ, हुआ यूं कि देखा तेरी वजह से मेरे बाबूजी कितने परेशान हो रहे। तू यहाँ हॉकी लेना चाचा चक्रे फटे गेला तो मुल्का गेला। मुझसे बदला ही लेना है ना, ले हॉकी ले और मार मुझे। मार। अरे बापूजी जितना मारना है उतना मार ले, ले। बापूजी बापूजी क्या क्या कर रहे हैं बापूजी आप? चाचा जी क्या क्या कर क्या रहे बापूजी आप ये? ओ चाचा जी इसे पोस्टर बना के ना झाड़ पे टांग देना चाहिए। हाँ। सही बात है। हाँ लाला जी इस लड़के ने आपको कितना परेशान किया है। हाँ। बापू जी इसे तो बराबर का मेथी पक चखना चाहिए। लेकिन फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ। देखो सजा देना आसान है लेकिन किसी को क्षमा कर देना मुश्किल है। चाचा जी सही कहा आपने, क्षमा वीरस्य भूषणम। मतलब मैं था? मतलब ये छोड़ी के क्षमा वीरों का गहना है, वही असली वीर होता है जो किसी को क्षमा कर सके। सही बात है। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं बेवकूफ हूँ, पापी हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन तूने जो भूल की है उसे तुझे सुधारनी होगी। तुझे सजा तो मिलेगी। चल सबसे पहली तेरी सजा ये है कि तू कान पकड़ और इन सब लोगों से माफी मांग। तेरी वजह से ये सब लोग कितने परेशान हुए हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं अब सबसे माफी मांगता हूं। बेटा ठीक है माफ कर दिया लेकिन सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अभी कसम खाओ कि जिंदगी में कभी भी किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करेगा तू।
अब तो बुजुर्ग के साथ? हाँ हाँ, किसी के साथ भी खरा खरा कर ला। शाबाश जी, मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। अब तेरी दूसरी सजा, तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां एक हफ्ते तक रहेगा और बुजुर्गों की सेवा करेगा। तूने बुढ़ापे का मजाक उड़ाया ना, वहां जाके तुझे पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या होता है। जवानी के जोश में तू बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया है। और तुझे क्या लगता है, तू हमेशा जवान ही रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा? अरे तू भी एक दिन बूढ़ा होगा और तब तेरा कोई ऐसा मजाक उड़ाएगा तो तुझे कैसा लगेगा? अगर तू अपनी भूल का सच्चा प्रायश्चित करना चाहता है तो तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां पे बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कान लाएगा। जी चाचा जी, मुझे ये सजा मंजूर है। रुक, अभी तेरी सजा बाकी है, पूरी नहीं हुई। और तूने पोस्टर में क्या लिखा था? मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तुझे पता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती उसकी और उसके परिवार वालों की मनोस्थिति क्या होती है? अरे भगवान ने हमें परिपूर्ण बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो परिपूर्ण नहीं है उनका हम मजाक उड़ाए। अरे वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारे भाई बहन है, हमें तो उल्टा उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए जो मानसिक रूप से कमजोर है उनकी हॉस्पिटल में जाके उनकी भी तुझे सेवा करनी होगी। वाह जी चाचा जी, मुझे ये सजा भी मंजूर है। लेकिन हाँ, ये सब मैं कह रहा हूँ इसलिए तुझे नहीं करना है, ये तुझे दिल से करना होगा और वही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। जी, मैं दिल से प्रायश्चित करूंगा। और इतना ही नहीं, अब मैं खुद के पोस्टर्स रोड पे लगवाऊंगा और मेरे फोटो के साथ ये भी लिखूंगा कि मैंने बड़े आदरणीय और समझदार श्री चंपकलाल गढ़ा से बदला लेने के लिए ये गलत पोस्टर छपवाए थे। मेरी ही मानसिक स्थिति खराब थी इसलिए मैंने ये पाप किया है। ये तो सुधर गया। बापूजी की बातें कैसी थी, वो सुन के अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो स्टील से सूना हो गया। थैंक यू चाचा जी, मुझे जीवन की समझ देने के लिए। और आप सभी से मैं माफी मांगता हूँ और थैंक यू भी कहता हूँ। और प्रीति, तुम्हें भी थैंक यू, तुमने मुझे हिम्मत दी कि मैं यहाँ के इन सबसे माफी मांग सकूं। शाबाश बेटा। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, ये पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है। विक्की, चलो भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। ये बात तो है, मुसीबत आई पर टल भी गई और खुशी का माहौल हो गया। अरे यही तो खास बात है हमारे गोकुल धाम में, चाहे कितनी भी समस्या आए अंत हमेशा भला हो जाता है और अंत मुस्कुराहट के साथ ही होता है। अरे वाह, दादाजी सही सलामत आ गए और ऑल इज वेल हो गया, तो कुछ सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि खाने की बढ़िया सी पार्टी रखो। आपसे यही उम्मीद थी। इक्का पाया हुआ। हाँ, ये बेस्ट है। पापा अंकल, इसे कैंसल मत करना। अरे भाई, मैं क्यों कैंसल करूंगा? मुफ्त में खाने को जो मिल रहा है। मैं बोलू भंगड़ा पाते हैं। मस्त आइडिया तू। क्या सब लोग गरबा करें? चल चल अबे। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गर्वे घूमता आज गोकुल धाम है, गर्वे घूमता आज गोकुल धाम है। Thank you.
और माँ सच में बापूजी से बहुत कुछ सीखने जैसा है जीवन में। अरे माँ तुम मानोगी नहीं, वो पोस्टर लगने वाला लड़का था ना, बापूजी ने उसको माफ कर दिया। हाँ, और बापूजी ये भी कह रहे थे कि जीवन में ऊंचाई पानी हो तो झुकना सीखो, नम्र बनो। चल माँ मैं फटकती हूँ। बापूजी मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? अरे नहीं बोल, नहीं अभी तो खाना खाया। आज तो फोन पे फोन आ रहे। हेलो, हाँ हाँ राम जी, बोल बोल बोल। हाँ भैया ठीक हूँ। अरे अरे नहीं भाई नहीं, पूरा सपना समझ के भूल जाने का सब है। काका मुझे क्यों डांट रहे? अरे मैंने तो उल्टा बापू जी को जाने से मना किया था। ना था काका। अला ना था काका, बापू जी एक दूसरे फोन में बात कर रहे हैं, जरा चालू रखना। अरे तू हंसता क्या है? तू खुद एक बार गाड़ी की डिक्की में बंद होके देख, फिर पता चलेगा कैसा मजा आया वो। ना ना बात तो बराबर है आपकी। ना ना बापू जी की तबीयत एकदम ठीक है, एकदम बराबर है। अरे हाँ भाई हाँ भाई, पता है तू मजाक कर रहा है। हेलो 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 हेलो। अरे भाई हेलो हेलो ही करते रहोगे कि आगे भी बोलोगे? नहीं बापू जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, नाथा काका से बात कर रहा हूँ। अरे भाई मैं भी तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं राम जी को बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई जोर से बोलो ना। हेलो। अरे आप आमने सामने हो फिर भी फोन पे बात कर रहे हो? अरे मैं नाथा काका से बात कर रहा हूँ और बापू जी हाँ वो राम जी से बात कर रहा। ओ रख दिया फोन? नहीं कटोगे। ओ ये अभी तक चालू ही है। हेलो हाँ ना था काका, हाँ 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 सुनाई दे रहा है ना। हाँ अब मैं एक मिनट देता हूँ बापू जी को। हाँ एक मिनट। वाह हाँ आप बात करो। हेलो नाथा काका, ओ राम जी काका का फोन आया वापस, तो एक मिनट चालू रखो। फोन कट गया। मैंने बोला राम जी काका का फोन आया वापस, अरे तू तो आप चालू रखो। अरे बापू जी बात करके फिर आपसे बात। भाई एक घेटिया जरा दूर से बात करना भाई। हेलो मैं ये कह रहा था। हेलो नाथा काका। हेलो हेलो सुनाई दे रहा। हेलो अरे राम जी। नहीं भाई नहीं वो घेटिया। हेलो बोलना भाई। अरे वो नाथा काका। एक मिनट एक मिनट जेठा। हेलो जेठा बोल रहा हूँ। जेठा हेलो एक मिनट चालू रखिए, दरवाजे पे कोई आया है। एक मिनट। हाँ बोलिए। बापूजी बुला रहे हैं। हाँ बापूजी। ये बापूजी वाली तुझे क्या लगता है, दरवाजे के पीछे छुप जाएगा तो तेरी आवाज भी यहाँ तक नहीं आएगी। जरा ऐसा बात कर भाई। पर वो नाथा काका को नहीं सुनाई दे रहा है बापूजी। अरे तो उसको पूछ कान का मशीन पहना है कि नहीं। ओ कान की मशीन वापरते? हाँ। तो अचानक उनको क्या हुआ? पहले तो उनका मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही थी। अरे तो बात करते करते मशीन कहीं गिर गया होगा, उसको बोल फिर से पहले। हेलो हेलो नाथा काका, बापूजी पूछ रहे हैं आपने कान की मशीन पहनी है? हेलो हेलो नाथा काका, आप वो कान का मशीन पहन लीजिए। अरे भाई तू मेरी बात सुन ले, तू जेठिया की बात क्यों सुन रहे? हेलो हेलो आप पहले मशीन पहन लो। हेलो नाथा काका आप कान का मशीन पहन के एकदम रेडी होके बाद में फोन कीजिए, मैं बापूजी से बात करवाता हूँ आपकी। मेरा चल हाँ ठीक है, कल गार्डन में मिलते। हेलो हर्ष, अरे मेरे दादाजी तो एकदम ऑल राइट है। इसके पास मोबाइल कौन सा है? मैंने नहीं दिया। अरे मेरे दादाजी तो एकदम स्ट्रॉन्ग है। ये भाई मोबाइल कहाँ से है? एक मिनट। हाँ हर्ष, और डिनर दीदी कैसे है? अरे भाई सब मजे में, मोबाइल कहाँ से है? तो प्लास्टिक का रमकड़े का फोन है। आपके साथ मजाक करता है? तो मजाक नहीं करेगा तो क्या मारा मारी करेगा?
ये भी टप्पू की मम्मी। वाह वाह वाह, हम सब लोग अभी कितना खिलखिला के हंस रहे हैं बापूजी हैं, लेकिन सुबह सबके सब कितना परेशान थे। आप गाड़ी की डिक्की में बंद गुजरात हाईवे पे परेशान, और हम लोग यहाँ आपको ढूंढने में परेशान। लेकिन हमारी इस दुख की घड़ी में सोसाइटी वालों ने हमारा कितना साथ दिया, हमें कितनी मदद की। वाकई में सब लोग बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के बापू जी को ढूंढने में लग गए थे, सबने बहुत मदद की हमारी बापू जी। पापा पता है हमारे स्कूल में अगर किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरा स्टूडेंट उसकी मदद करता है और उसका होमवर्क कंप्लीट करके देता है, और होमवर्क के बदले में उसे आइसक्रीम या चॉकलेट की पार्टी मिलती है। सुंदर मेरा भी स्कूल में ऐसे ही करता था। हाँ तो ये अपने मामा पे ही गया है। टप्पू तो बापूजी की बातें भूल गया है? पढ़ाई में कभी आलस नहीं करनी चाहिए, आइसक्रीम और चॉकलेट की पार्टी देकर दूसरों से अपना होमवर्क करवाता है। नहीं पापा, मुझे दादाजी की बात याद है, मैं अपना होमवर्क दूसरों से नहीं करवाता, बल्कि मेरा होमवर्क पूरा होने पर मैं दूसरों की मदद करता हूँ और बदले में मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट की पार्टी मिलती है, फिर मैं क्यों मना करूं? सुंदर वीरा भी यही करता था। टप्पू के पापा, मुझे टप्पू की बात से एक आइडिया आया। क्या? क्यों ना हम लोग हमारी मदद करने वाले को पार्टी दे। अरे हाँ जिटिया, सही बात है, ये सोसाइटी वालों ने हमारी इतनी मदद की तो हमें उनको पार्टी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। वाह दया वाह, तूने तो मेरा मुंह की बात छीन ली। नहीं नहीं, हमें सबको पार्टी जरूर देनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, झुमड़वर का प्रोग्राम रखते हैं, उंधियू पूरी और ढोकला, मजा जाएगा। नहीं नहीं, झुमड़वर तो बराबर है, वो तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा कुछ अलग, कुछ डिफरेंट होना चाहिए पार्टी में। डिफरेंट में तो गरबा। नहीं करते हैं टप्पू के पापा, गरबा तो हम हमेशा करते हैं, उसमें डिफरेंट क्या? डिफरेंट में कुछ अलग सोचते हैं, अलग कुछ। मैं काम करता हूँ बाबूजी। हाँ, मैं मेहता साहब के घर पर जाता हूँ, उनसे कोई आइडिया लेता हूँ। हाँ, 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 चलो मैं भी आती हूँ। कहाँ, मेहता साहब के घर पर? नहीं नहीं, नीचे कंपाउंड में बैठने, मस्त गुलाबी ठंडी है तो मजा आएगा। तू नीचे कंपाउंड में अकेली बैठेगी? अरे नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं, हमारा पूरा महिला मंडल नीचे मिलने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ टप्पू से ना मिलने वाली है। हाँ? तो चलो साथ में जाते हैं। हाँ, हाँ चलो चलो। अरे दया, वहाँ से नीचे जाने का कोई नया रास्ता ढूंढा है तूने? किचन, किचन में से? अरे नहीं नहीं, किचन की लाइट बंद करके मैं इसी रास्ते से नीचे आऊंगी। अब चलिए मैं आती हूँ। चलो बापूजी। नहीं भाई नहीं, मैं थक गया हूँ। नहीं नहीं, मतलब चलो मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जाके आ। क्या बात है भाई, मेरे चेहरे से जो खुशी टपक रही है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, चमत्कार हो गया भाई। चमत्कार की बात है, खुशी की बात है, चंपक चाचा सही सलामत घर लौट आए हैं, विक्की को उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और जेठालाल इस मौके पे गोकुलधाम निवासियों को शानदार पार्टी देना चाहते हैं, पार्टी तो बनती है। वैसे जिंदगी में एक चीज है सर, किसी की विवाह का कोई फंक्शन हो और फंक्शन बहुत अच्छा ना हो तो चलता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं, फर्नीचर ठीक ठाक ना हो, इट्स फाइन, लेकिन खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक वैसे जिंदगी में नाते रिश्तेदार हो ना हो, लेकिन पड़ोसी जरूर गोकुलधाम के निवासियों की तरह होने चाहिए, जो सब सुख दुख में साथ रहते हैं। यही हमारी एकता है, यही हमारा विश्वास है कि हम एक परिवार की तरह रहें। मित्रों,
लेकिन आप जानते हैं कि हमारी किस्मत बिल्डिंग में लगने वाली लिफ्ट की तरह है, कब ऊपर कब नीचे कोई नहीं जानता। इसलिए आप सोचिए कि अगला हंगामा क्या होने वाला है, बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।